दोस्तों अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी बैंक से लोन लेने के लिए सोच रहे हो या आपने जो लोन लिया था वो डिफॉल्ट हो चुका है, एनपीए हो चुका है, तो ये खबर जो है आपको बहुत बड़ी राहत देगी। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको बहुत बड़ी राहत दी है, खुशखबरी दी है, तो वित्त कुंड के माध्यम से जानेंगे कि ये खुशखबरी, ये राहत क्या है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं, फेयर प्रैक्टिस, फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस के तहत जो है ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो पेनल्टी आप लगाते हो किसी ग्राहक पे उसको आप मूलधन में ऐड नहीं करोगे, उसको आप प्रिंसिपल में ऐड नहीं करोगे। दोस्तों पहले जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते थे और आज भी जा रहे हो तो बैंक आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाता है, बहुत सारे दस्तावेज साइन करवाता है और उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन में, उन्हीं दस्तावेजों में एक लेटर होता है, सैंक्शन लेटर। दोस्तों सैंक्शन लेटर जो है उसमें बहुत सारी जो है टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है, बैंकों की तमाम शर्तें उसमें होती हैं और हम उस पर साइन करके जो है उन तमाम शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं और बैंक को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम जो है खाते को ओवरड्यू नहीं करेंगे और जितनी टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखी है उसका हम अनुपालना करेंगे और बैंक भी आपसे उम्मीद करता है। और अगर आप उसकी अनुपालना नहीं करते हो, वो टर्म एंड कंडीशन की अनुपालना नहीं करते हो, बैंक में आपका खाता जो है ओवरड्यू होता है, आप रिन्यूअल समय पर नहीं करवाते हो, स्टॉक स्टेटमेंट समय पर नहीं देते हो, तो बैंक जो है आप पर पेनल्टी लगाता है। लेकिन दोस्तों पहले क्या करता था बैंक, आप पर जो पेनल्टी लगाता था उसको मूलधन में ऐड कर देता था, उसमें उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देता था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ये दिशा निर्देश दिए हैं और फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस के तहत जो है ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप जो है उस पेनल्टी के अमाउंट को जो है मूलधन में और प्रिंसिपल में ऐड नहीं करोगे। दोस्तों जब बैंक ऐड करते थे तो आप पर ब्याज लगता था, आप पर पेनल्टी पर भी जो है ब्याज लगता था और आपको ज़्यादा पैसे देने होते थे, ज़्यादा ईएमआई देनी होती थी। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कहा है कि जो पेनल्टी आप लगाते हो वो जो ऋणदाता होता है उसका लोन सुरक्षित करने के लिए होती है और जो ग्राहक होते हैं उस उनमें जो है अनुशासन की भावना पैदा हो, उनमें जो है डिसिप्लिन की भावना पैदा हो, इसीलिए पेनल्टी लगाई जाती है। ये पेनल्टी जो है वो बैंकों में कमाई का साधन नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप पेनल्टी से कमाई नहीं करोगे, वो सिर्फ डिसिप्लिन का, वो अनुशासन का तरीका है ताकि लोग जो है वो समय पर जो है पैसे भरे, आपका पैसा वापिस कर सके, उसमें अनुशासन जो है वो बना रहे। तो दोस्तों ये दिशा निर्देश जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस के तहत जो है बैंकों को दिए हैं और जो ये चेंज हुए हैं दोस्तों, ये पेनल्टी जो है अब जो है मूलधन में जो है प्रिंसिपल में ऐड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों जब आपका खाता डिफॉल्ट भी हो जाता है तब भी जो है आपको कम पैसा देना होता है क्योंकि जो पेनल्टी है उस पर ब्याज नहीं लगता, पेनल्टी को जो है मूलधन में प्रिंसिपल में ऐड नहीं किया जाता। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।